बरतानिया की मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफकॉम ने जाली नंबरों से फ्रॉड के खिलाफ क्रैकडाउन का मंसूबा बना लिया। पिछले मौसम गर्मा में तकरीबन 45 मिलियन लोगों से फ्रॉड कॉल्स और टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए रकम बटोरी गई थी। बरतानवी फोन कंपनी ऑफकॉम के मंसूबों के तहत फ्रॉड करने वालों के लिए अपने नेटवर्क का इस्तेमाल मुश्किल बना देगी, जिससे लाखों अफराद को तहफ्फुज़ मिलेगा। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। झूठी कॉल्स, जाली मैसेजेस के जरिए फ्रॉड करने वाले होशियारबाज। बरतानवी मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफकॉम ने फ्रॉडियों के खिलाफ कमर कस ली है। अथॉरिटी ने जाली नंबरों से फ्रॉड के खिलाफ क्रैकडाउन का मंसूबा बना लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जाली नंबरों में बिरौन मुल्क से आने वाली कॉल्स भी शामिल है। जिनके पास दुरुस्त कॉल्स आईडी नहीं होती, ऐसे नंबर का इस्तेमाल बरतानिया के 10 या 11 हिस्सों के फॉर्मेट पर पूरा नहीं उतरता है। कॉल्स ऐसे नंबरों से होती है जो पहले से ऑफकॉम की डू नॉट ओरिजिनेट लिस्ट में शामिल होती है। रेगुलेटर ने इंतबाह किया है की तकरीबन 45 मिलियन अफराद में से तकरीबन 1 मिलियन, जिन्हें गुज़श्ता मौसम गर्मा में कॉल्स और टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए निशाना बनाया गया था, उन्हें फ्रॉडियों की हदायत पर अमल करने का बायस माली नुकसान और जज्बाती परेशानी का खतरा है। ऑफकॉम पहले से ही फोन कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि इन कॉल्स को ब्लॉक करने में उनकी मदद की जा सके, जो जायज तंजीमों जैसे बैंकों और सरकारी महकमों के फोन नंबर की नकल या जालसाजी करते हैं। तहम धोखाबाज खुद को तेजी के साथ बदलते हुए हालात और टेक्नोलॉजी के मुताबिक ढालने में कामयाब हो गए हैं। वबा के दौरान मिसाल के तौर पर मुजरमों ने वैक्सीनेशन के जाली लिंक्स भेजे और वो डिलीवरी कंपनियों की निकाली भी करते रहे। गलत तरीके से बरतानवी नंबर्स का इस्तेमाल करने वाली बिरौन मुल्क से आने वाली कॉल्स को ब्लॉक करने के बारे में नई रहनुमाई, जो सनत की तरफ से तैयार करदा खुद साख्ता इकदाम था, इसे कुछ फराहम कनंदगान ने रजाकाराना तौर पर पहले ही अपने अपने अदारों में नाफिज कर दिया है। टिकटॉक ने भी इन हदायत पर अमल किया तो फ्रॉड कॉल्स के बारे में शिकायत 65% तक कम हो गयी। रेगुलेटर फ्रॉडियों की जानब से दुरुस्त फोन नंबर तक रसाई को मजीद बना देगा, जिससे फोन कंपनियों को कारोबारी सार्फिन पर अपने ग्राहक को पहचानने की जांच करने की जरूरत होगी। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज यूके। गिलगित बल्तिस्तान की पूरी हुकूमत सरमायाकारी और सियाहत के फरोग के हवाले से दुबई में मौजूद है, जहां उनके एजाज में तकरीबात का सिलसिला भी जारी है। मारूफ कारोबारी शख्सियत हाजी अमीन बेग की जानिब से वजीर आला जीबी खालिद खुर्शीद के एजाज में इशाया दिया गया। तकरीब में गिलगित बल्तिस्तान की कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। इशाया तकरीब का मजीद अहवाल सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। दुबई में जीबी हुकूमत के एजाज में तकरीबात का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में दुबई में मुकीम मारूफ पाकिस्तानी बिजनेसमैन हाजी अमीन बेग की जानब से वजीर आला खालिद खुर्शीद के एजाज में इशाया तकरीब सजाई गई। तकरीब में वज़रा, ब्यूरोक्रेट्स और दीगर अहम कम्युनिटी रहनुमाओं ने भी शिरकत की। मेजबान हाजी अमीन बेग और जाहिद जान ने मेहमान खुसूसी खालिद खुर्शीद का शानदार इस्तकबाल किया और तहफ पेश किए। बिजनेस कम्युनिटी ने गिलगित बल्तिस्तान में जारी मनसूबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की। मेहमान खुसूसी खालिद खुर्शीद और दीगर का कहना था कि गैर मुल्की सरमायाकार बगैर किसी खौफ के जीबी में सरमायाकारी कर सकते हैं। न सिर्फ उनकी सरमायाकारी महफूज है बल्कि जीबी हुकूमत उन्हें तमाम वसाइल भी मुहैया करेगी। मेहनत करें, ये मेहनत ही इंसान को कामयाब करती है हर मैदान में, और वो मकसद ना भूलें जिस मकसद के लिए अपने घर बार रिश्तेदार को छोड़ के वो दियार गैर में आए। हमारी दावत उन्होंने कबूल की और हमारी कोशिश ये है कि हम गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को अच्छे अंदाज से जमा करके एक मुहब्बुल वतन और इधर से जनाब अली अच्छे अंदाज से यहाँ काम करते हुए लोगों तक जो है ना फ़ायदा पहुँचा सके। हुकूमत ने ऐलान किया कि उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएगा, तो इसलिए यहाँ के लोगों को ले जाना आसान होगा। जीबी में जो बिजली के जो मौके है वो काफ़ी है। एक सर्वे के मुताबिक कम अज़ कम 40,000 मेगावाट हम जीबी के अंदर बिजली पैदा कर सकती है। दुबई गवर्नमेंट का शुक्रिया, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया तमाम मुल्कों के लिए। हमारे जो प्रीशियस फ्रूट्स हैं, हमारे ऑर्गेनिक फ्रूट्स हैं, उनके रसाई इस मंडी तक होगी, तो इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान फ्यूचर में एक नई राह हमवार करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आप लोगों का भी शुक्रगुजार है और जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं उन सब का भी शुक्रगुजार है, और हमें पाकिस्तानी होने पे बहुत फख्र है और जीबी गवर्नमेंट का और पाकिस्तान का हम शुक्रिया अदा करते हैं। तकरीब में जीबी से आए लोग फनकारों ने भी फन का मुजाहरा करके हाजिरीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। तकरीब के शुरका ने लोग फनकारों को खुलकर दाद दी। शुरका का मजीद कहना था कि शुमाली इलाका जात में सरमायाकारी के बेशुमार मौके हैं। सियाहत के फरोग के लिए हुकूमत नित नई पॉलिसीज मुतारिफ करा रही है, जिससे गैर मुल्की सरमायाकारों को रिलीफ मिलेगा। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात।
सऊदी अरब में यौम तासीस की चार रोज़ा तकरीबात का इख्तिताम हो गया है। आखिरी रोज़ म्यूजिकल कॉन्सर्ट के अलावा शानदार आतिशबाजी के मुजाहरे ने आसमान को कौसे कज़ा के रंग से भर दिया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में पहले सऊदी यौम तासीस की इख्तितामी तकरीब में म्यूजिकल कॉन्सर्ट में सऊदी गुलकारों ने अपने फन का मुजाहरा किया। म्यूजिकल कॉन्सर्ट में हजारों अफराद ने शिरकत की। आखिर में सैकड़ों ड्रोन्स ने सऊदी परचम समेत सऊदी सकाफत को आसमान में उजागर किया, जबकि आतिशबाजी के शानदार मुजाहरे ने आसमान को कौसो कज़ा से भर दिया। आतिशबाजी को देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में सऊदी, पाकिस्तानी और दीगर गैर मुल्की पहुंचे और आसमान को रोशनियों से भरा देखकर खूब महसूस हुए। बर्लिन में पाकिस्तानी सफारतखाने और बैंक के इश्तराक से रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से आगाही वेबिनार हुआ, जिसमें बैंक के ओहदेदारों ने शुरका को रोशन डिजिटल अकाउंट की नुमाया खसूसियात से आगाह किया। उनका कहना था कि आरडीए से ओवरसीज को वतन रकम भेजने में आसानी मिली है, तो दूसरी जानब हुकूमत के लिए जर मुबादला और सरमायाकारी को कायम रखना आसान हो गया है। रोशन डिजिटल अकाउंट ओवरसीज पाकिस्तानियों और वतन अजीज दोनों के लिए यकसा मुफीद। बेशुमार सहूलियात और खसूसियात के बायस रोशन डिजिटल अकाउंट ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरजीह बनने लगा। आरडीए के हवाले से जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में पाकिस्तानी सफारतखाने ने आगाही वेबिनार का एहतमाम किया, जिसमें पाकिस्तानी बैंक के ओहदेदार भी शरीक हुए। इस मौके पर ओवरसीज पाकिस्तानियों को रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक और कौमी तराने से हुआ। सफीर पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद फैसल का कहना था, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारा असासा है। रोशन डिजिटल अकाउंट आरडीए का क्याम वजीर आजम की जानब से उनकी सहूलत के लिए मुतारिफ कराई गई है, एक उम्दा काविश है। क्योंकि हमारे पाकिस्तानी ही भाई बहन यहाँ मौजूद हैं, इट इज अ फैंटास्टिक इनिशिएटिव जिसकी बहुत सक्सेस रीसाउंड कर रही है हर तरफ। वी वर कॉन्टेक्टेड बाई यू एट योर ऑफिस एंड वी आर ऑलवेज सपोर्टिव फॉर इट। हम ज्यादा से ज्यादा, ये आखिरी इवेंट नहीं है, इसके अलावा हम जब आप कहें हम इसमें बहुत कीन हैं। इसकी जो अच्छी चीजें हैं उस पर भी जिक्र होगा, सवाल जवाब होंगे और उसमें प्रमोशन उसको मिलेगी। सफीर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने मुंतजमीन और मुकररीन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि कम्युनिटी के लिए महफूज और मरबूत जरिए से तरसीलात जर वतन भिजवाने की आगाही का इकदाम खुश आइंदा है। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क बसने वाले पाकिस्तानी हमारा असासा है और हुकूमत इनके मफादात का तहफ्फुज़ जारी रखेगी। पाकिस्तानी बैंक के सरबराह बराए रिटेल प्रोडक्ट सैयद मोहसिन अली ने शुरका को खुश आमदीद कहा और जर्मनी में पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए आगाही और वेबिनार मुनक्द करने पर तावन पर पाकिस्तानी सफीर और उनकी टीम का शुक्रिया अदा किया। मुकररीन में सलीमुल्ला, EDF RM, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, असदुल्ला, HBL, शाजिया गिल, हेड वेमेन मार्केट प्रोग्राम और काशिफ अली, सीनियर बिजनेस मैनेजर इस्लामिक बैंकिंग HBL शामिल थे। उन्होंने शुरका को RDA बिलखसूस HBL की जानब से इस जमन में दुनिया भर में पाकिस्तानियों को मुहैया करदा सहूलियात के बारे में बताया। वेबिनार में जर्मनी में बसने वाले पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और शुरका से सवालात किए। असगर मिर्जा, 92 न्यूज़, जर्मनी। पाकिस्तान के तहजीब व तमद्दुन, सकाफती वर्से और मुल्क में मौजूद बेशुमार सियाहती मकामात को दुनिया के सामने पेश करने के लिए अमरीका में पाकिस्तानी सफारतखाने की जानिब से वेबिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें फन तामीर, तारीख और आसार कदीमा के माहरीन और सयाहों ने शिरकत की। तफसीलात के लिए देखते हैं खुर्रम शहजाद की यह रिपोर्ट। पाकिस्तान में सियाहती सरगर्मियों के फरोग के लिए वाशिंगटन में मौजूद पाकिस्तानी सफारत खाने के ज़ेर एहतमाम वेबिनार हुआ, जिसमें फन तामीर, तारीख और आसार कदीमा के शोबाजात से मुतल्लिका माहिरीन और सियाहत से दिलचस्पी रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर सफीर पाकिस्तान डॉक्टर असद मजीद खान, मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन अफताबुर रहमान, माहिर फन तामीर जैन गार्डनर, सदर इंटरनेशनल फ्रेंडशिप क्लब शाइस्ता महमूद, मारूफ माहिर तालीम जैन मुस्तफ़ा और माहिर आसार कदीमा डॉक्टर आसमा इब्राहिम ने शुरका को पाकिस्तानी सकाफत और अमकानात के हवाले से मुफसल ब्रीफिंग दी। पाकिस्तानी सफीर डॉक्टर असद मजीद खान ने वेबिनार से खताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन चंद खुश नसीब ममालक में किया जाता है जहां दुनिया भर के सियाहों के लिए दिलचस्पी का तमाम सामान और लवाजमात मौजूद हैं। All those joining us from here in on the east coast and those in Pakistan, a very good evening to and different parts of the world. The beauty of having these virtual webinars and conversation is that you can actually cover the entire globe, so these greetings sometimes become either irrelevant or redundant, so still we are delighted. सफीर पाकिस्तान का कहना था कि अमन अमान की बेहतर सूरत हाल और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए मौजूदा हुकूमत की कोशिशों से सियाहत को फरोग मिल रहा है। पाकिस्तानी अवाम की मेहमान नवाजी और गर्मजोशी गैर मुल्की मेहमानों के लिए इंतहाई मुतासर कुन और नाकाबले फरामोश है। In organizing this important webinar on Pakistan's heritage and our tourism potential.
really, I think, and I'm so very glad to see a very distinguished panel today. سفیر پاکستان نے حکومت کی جانب سے سیاحت کے فروغ کے لیے ویزے کے نظام کے حوالے سے بھی سہولیات فراہم کرنے پر بریفنگ دی. Very, very informative and educative presentations. And it seems that even our potential is a secret from us. There are so many things, frankly, that I have learned. And each time, actually, we do this. We did one on Lahore, a virtual tour of Lahore. And earlier, we did one on the Sikh heritage in Pakistan. شرکا کی جانب سے پاکستانی سیاحت، انفراسٹرکچر اور سیاحوں کے لیے سہولیات پر سوالات کیے گئے جن کے تسلی بخش جوابات سے شرکا مطمئن دکھائی دیے. What are the buildings made of that have the intricate details that they are able to withstand time and weather? اس موقع پر پاکستانی سفیر ڈاکٹر اسم مجید خان اور MDPTDC کی جانب سے سیاحت کے حوالے سے پاکستان کا سفر کرنے والے افراد کو تمام ممکنہ سہولیات فراہم کرنے کا عزم کیا گیا. خرم شہزاد، 92 نیوز، واشنگٹن. آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں پیپلز پارٹی کے مرحوم رہنما رحمان ملک کی روح کے احصال ثواب کے لیے دعائیہ تقریب ہوئی، جس میں پاکستانی کمیونٹی کی مختلف تنظیموں کے سربراہان اور کمیونٹی رہنماؤں نے شرکت کی اور مرحوم کے احصال ثواب کے لیے دعا مانگی. تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ 92 نیوز اکرام باجوہ اپنی اس رپورٹ میں. معروف سیاستدان، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، سینیٹر اور سابق وزیر داخلہ رحمان ملک گزشتہ کئی دنوں سے کرونا وائرس کا شکار تھے. وہ اسلام آباد کے الشفا ہاسپٹل میں زیر علاج تھے، جہاں 23 فروری کی صبح چل بسے. ان کے انتقال پر آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں اوورسیز پاکستانی کمیونٹی نے تعزیتی تقریب کا اہتمام کیا. ویانا کی مسجد البلال میں ہونے والی اس دعائیہ تقریب میں پاکستانی کمیونٹی کی مختلف تنظیموں کے سربراہان اور کمیونٹی رہنماؤں نے بھرپور شرکت کی. اس موقع پر مرحوم کے احصال ثواب کے لیے دعا کی گئی. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه الى الاسلام. بعد میں 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے مسجد البلال ویانا کے سرپرست اعلیٰ الحاج محمد اکرم بٹ، منہاج القرآن آسٹریا کے سرپرست اعلیٰ الحاج خواجہ محمد نسیم، پاک ایشیا کلچر آسٹریا کے چیئرمین حاجی قاسم علی اور دیگر شخصیات نے مرحوم رحمان ملک کی ملکی خدمات کو سراہا اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا. سابق وزیر داخلہ عبد الرحمان ملک وفات پا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مخصوص فرمائے. ملک رحمان صاحب کے لیے خصوصی دعا کرتا ہوں اور مسجد بلال کی انتظامیہ بھی دعا کرتی ہے کہ اللہ پاک ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وہ بہت اچھے انسان تھے، مجھے یادگار تھے، انہوں نے مجھے بھی بہت اچھا کرتا تھا اور 2016 میں آئے تھے ویانا میں، ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی اور بڑا اچھے انہوں نے جنت فردوس میں چلا تھے. اسی انہاں واسطے ہمیشہ دعا کرتے ہیں اور انہوں نے پاکستان کے لیے اتنا کچھ کیا ہے کہ ہم بھول نہیں سکتے. رحمان ملک صاحب کا وزیر داخلہ اور ان کے پاس اور بھی کئی عہدے تھے، انہوں نے پاکستان کی بہت خدمت کی ہے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. رحمان ملک صاحب اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت عطا فرمائے. بہت اعلیٰ شخصیت کے مالک تھے، ویانا کے کئی پروگرام میں تشریف لائے، اس کے باوجود کہ اس وقت وزیر داخلہ تھے لیکن ہر ایک سے با اخلاق اور بہت اچھے طریقے سے ملے. یہی دنیا میں رہ جاتا ہے ان کا اخلاق، ان کی محبت. اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کے جو قریبی اہل و حوال ہیں ان کو صبر جمیل عطا. شرکا کا کہنا تھا کہ رحمان ملک مرحوم کی وفات پاکستان کے لیے بہت بڑا نقصان ہے. تقریب میں شرکا نے مرحوم رحمان ملک کی زندگی کی یادیں تازہ کیں اور تقریب میں موجود ان کے عزیز و اقارب سے اظہار تعزیت بھی کیا. اکرم باجوہ، 92 نیوز آسٹریا. اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید باخبر رہنے کے لیے آپ رہیے 92 نیوز UK کے ساتھ.